यूट्यूब कैसे हैं फेसबुक, मैं देवदत्त अग्रवाल। 28 मार्च पहला दिन, किस किस ने एमएमसी को रिवॉल्व करके 5 बार किया भाई? जल्दी बताओ। यस सर। परफेक्शन। यस सर। ऐसा तो नहीं आपने नहीं किया, आपने नहीं किया, सबने किया सर। पक्का बताओ? यस सर। ये तो यार बहुत अच्छी बात हो गई, वन टाइम में हमने एक सेगमेंट में कर दिया। हेलो। यस सर। चलो मुझे बताओ, एमएमसी के बाद हमने प्रैक्टिकल किया, अब हम आए एक थ्योरी क्लास में, पर क्या ये सिर्फ थ्योरी क्लास रही क्या? हेलो। नो सर। ये तो एक पूरी प्रैक्टिकल क्लास हो गई ना यहाँ पर। यस सर। आप क्या, मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर बोर्ड बोर्ड पे पढ़ाया क्या? जल्दी बताओ। नो सर। हर चीज को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया? यस सर। हर लॉ के नियम पढ़ाए? हेलो। यस सर। और हर चीज को समझ में आया? यस सर। आज आपके पास में 3 तरह के नोट्स है, आज आपके पास में ऑडियो नोट्स है, वीडियो नोट्स है, जाके लिखोगे भी अपना। yes, पर हम अपनी क्लास में लिखने पर फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते, बिकॉज वी बिलीव इन एडवांस। हेलो। जब बात एडवांस की आती है तो एडवांस ही यूज करना चाहिए। yes, आज के एडवांस कॉलेज में अगर मैं बात करूं, आज बड़े कॉलेजों की बात करते हैं जो एडवांस फीचर, या बाहर के विदेशी कॉलेज में मुझे नहीं लगता वहां लिखवा रहे होंगे, वहां पर साइंटिफिक रीजन अलग ही चल रहा होगा, क्लास अलग ही चल रही होगी, लोगों के दिमाग में समझ में आ रहा होगा। और जितने भी हमारे चले जाओ इंजीनियरिंग बीकॉम कॉलेज में, पूरे दिन भर बैठ के टीचर रट्टा जैसा लिखवा रहे हैं। हेलो। यस सर। ना थ्योरी समझ में आ रही है और ना प्रैक्टिकल समझ में आ रहा है। यस सर। पर मैं जानना चाहता हूँ रजिस्टर और कैपेसिटर की क्लास किस किस को समझ में आई? चलिए बताइए। ऐसा नॉर्मल तो नहीं समझाया? नहीं सर। हर टेक्निकल रिव्यू दिए? यस सर। ओपन शॉट और लीकेज तीनों की वैल्यू बताई? यस सर। और हर तरह के कैपेसिटर, हर तरह के रजिस्टर एक्सप्लेन किए? यस सर। जो आपने नहीं देखे तक वो भी बताए? यस सर। और आज आपको एक बहुत बड़ी बात पता चली कि कैपेसिटर में बीप आने को शॉट बोलते नहीं है, और हर जगह पे शॉट किलर लगाना जरूरी नहीं है। हेलो। यस सर। ये चीज कौन कौन यूज करने वाला है जल्दी बताओ। अच्छा मैं जानना चाहता हूँ यहाँ अभी प्रैक्टिकल, अभी हमारे क्लास खत्म हो गया है क्या? अभी तो हम और चालू हुए हैं। जितना पढ़ा वो दिमाग में बैठ जाए। कौन कौन करने वाला है? सब करने वाले। थैंक यू वेरी मच। जाओ होशंगाबाद से। तो बंटी, एशिया टेलीकॉम में आज आपका पहला दिन, सवेरे से लेकर रात तक क्या भूमिका रही आपकी? मैंने एमएमसी रिवॉर्ड की। अच्छा। और उसके बाद सर कंप्यूटर कितनी बार? सर 5 बार। 5 बार? 5 बार। आज से पहले कभी करते थे? सर कभी नहीं, इससे पहले कभी नहीं किया हूँ, ये पहला टाइम था। पहले टाइम में फर्स्ट टाइम में डन हुआ। बिल्कुल सर। अच्छा। आप दूसरा जो ट्रिक था बताने का तरीका था वो सर बेस्ट। तो सेकंड मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि कंपोनेंट का, क्या आज से पहले कभी कंपोनेंट का इतना आइडिया था आपको? नहीं नहीं सर, इससे पहले कभी। थर्मिस्टर को जानते थे आप? नहीं सर बिल्कुल नहीं। एक लो जीआर क्या होता है ये जानते थे आप? बिल्कुल। जीआर क्या होता है ये जानते थे आप? सर रेजिस्टर्स की क्या वैल्यू होती है, कैसे डिफाइंड की जाती है, कैसे निकाली जाती है? एक रजिस्टर को मॉडिफाई करके हम 10K के रजिस्टर को 5K कैसे बना सकते हैं, और 2 10K के रजिस्टर को 20K कैसे बना सकते हैं, ये पता था हमको? क्या सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, ये पता था हमको? इससे पहले नहीं पता था सर, कुछ भी नहीं पता था। आज पता चला है देव सर की क्लास में। अच्छा सर, उनका जो है करने का तरीका है, एक्सप्लेन करने का तरीका है सर, वो बेस्ट है और उससे कोई भी एक्सप्लेन हो सकता है। अच्छा। सेकंड टाइम ये पूछना चाहूँगा कि मल्टीमीटर आपके हाथ में था, सेंटीमीटर इसके पहले आपने केवल बीप का इस्तेमाल करा? सर बीप का इस्तेमाल किया। और आज के किस किस का इस्तेमाल करा आपने? सर आज तो सारे फंक्शन मालूम है। यस सर बता दिए हैं सारे फंक्शन मालूम है। चलिए थैंक यू वेरी मच। तो चलिए मेरे साथ स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए। सर मेरा नाम अर्जुन है और मैं अमृतसर से हूँ। अच्छा। तो अर्जुन सर मैं फिर से पूछना चाहूँगा कि आपसे पूछना चाहूँगा आप कहाँ से? अमृतसर से। अमृतसर से? यस सर। तो मेरे भाई कितने साल से इस फील्ड में काम करेगा? 14 साल। 14 साल से। तो अगर मैं 14 साल के नॉलेज की बात करूँ और आज एक दिन की देव सर की क्लास की बात करूँ तो जीरो है। 14 साल। 14 साल? जीरो। जीरो है? यस सर। बहुत बड़ी बात बोल रहे हो आप। जीरो है सर। तो एशिया टेलीकॉम ने जो तुम सोच के आए थे उसके मुताबिक पहले दिन में कितना अचीवमेंट आप मानते हैं कहीं मिल सकता है? बिल्कुल नहीं सर, जो मैं सोच के आया था उससे बहुत ऊपर मिला पहले दिन में। पहले दिन में? तो
आज से पहले कभी जो परफेक्शन के साथ आज आपने काम किया, जो रिबोलिंग की है, कभी की थी क्या रिबोलिंग? कोशिश की थी लेकिन हुई नहीं थी कभी। कोशिश की थी नहीं हुई, और आज करी तो? आज 6 बार की है और 5 बार सक्सेस हुई, 1 बार मेरी गलती की वजह से खराब हुई, वो मेरी गलती। मतलब 5 टाइम सक्सेस हुई, कोई तुक्के में हुई कि प्रॉपर तरीके से? बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अब लास्ट की बात ये पूछना चाहूँगा, देव सर के साथ जो कॉम्पोनेंट की क्लास थी, किस लेवल का नॉलेज मिला? सर वो वर्ल्ड क्लास, 7 घंटे उन्होंने थ्योरी दी थी, 7 घंटे हमारा प्रैक्टिकल था। तो थ्योरी सिर्फ थ्योरी होती है वहाँ की? दोनों चीज़ होती है, प्रैक्टिकल भी होता है, फिर यहाँ के प्रैक्टिकल होते हैं। तो यहाँ की जब क्लास में जब आपको देव सर ने पूछा है, तो इन हैंड से पूरा प्रैक्टिकल किया? जी सर, टोटल A to Z जो भी उन्होंने किया उससे ज़्यादा किया। ठीक है, वहाँ पे आ रहा बंदा है, 5 मिनट रुकना, 1 मिनट इधर आना, एक चालू रखिएगा, 1 मिनट इधर आना, ये नंबर निकालना इसको, और ये नंबर तुम्हारा खुल के वो वहाँ से इसको बंदे को ले आना, रहता पेट्रोल पंप पे, तुम्हारा फोटो मार लो इस नंबर पर। तो डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहूँगा। तो मैं आपसे रामदेव ये पूछना चाहता था कि अभी कंपोनेंट का देखने का, टेस्ट करने का, और कंपोनेंट को फाउंड करने का और मॉडिफाई करने का कैसा नज़रिया है? सर अभी तो टोटली चेंज हो गया, पहले तो हम सिर्फ बीप की आवाज़ से जज करते थे, बीप आया तो निकाल दे, नहीं आया तो लगा दे, लेकिन अभी तो टोटल जैसे 14 साल वेस्ट ही कर दिए हमने, अभी तो सब चेंज हो गया, हमारा देखने का नज़रिया तक चेंज हो चुका है। अच्छा, तो अभी पंजाब से कोई आपको देख रहा है तो क्या बोलेंगे आप, अगर एशिया टेलीकॉम में आना चाहिए, आने के लिए सोचना चाहिए कि आ जाना चाहिए? सर आ जाना चाहिए, बिना सोचे आ जाना चाहिए, बिना मैंने 4 साल सोचा है लेकिन गलती की थी। गलती की थी, गारंटी कौन लेगा इसकी? सर वो मैं लूँगा। आप लेंगे क्या? जी सर। एक बार क्लैपिंग कर दो इनके लिए। तो चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो फिर बहुत नॉलेज अभी बहुत बाकी है, बहुत क्लासेस बाकी है, चलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तो मेरे साथ स्टूडेंट है, नाम बताइए अपना। जी सर, मेरा नाम हमराज पटेल है, मैं रामपुर छत्तीसगढ़ से। हमराज आज मेरे पहले दिन की क्लास में। जी सर, आज पहले दिन सर, तो मैं पहले दिन ही आपसे आउटपुट ले रहा हूँ। यस सर। अधिकतर होता क्या है कि स्कूल में आखिरी वाले दिन जब बच्चों को बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से फूड खिलाया जाता है, उसके बाद थोड़ा रिव्यू लिया जाता है। यस सर। तो मैं कोई स्पेशल फूड खिला के रिव्यू तो नहीं ले रहा हूँ? नहीं सर। पहला दिन है, मैं ये जान सकता हूँ कि जो पहले दिन मैंने दिया है आपको? जी सर। तो पहले दिन आपने पूरा एक्सेप्ट करा है कि नहीं करा है? पूरा एक्सेप्ट करा है सर। थ्योरिकली प्रैक्टिकली? थ्योरी प्रैक्टिकली दोनों के लिए। दोनों जीवन में आज तक कभी रिवॉल्विंग किया? आज तक कभी रिवॉल्विंग नहीं किया सर। आज कितनी बार किया? आज मैं 5 बार किया सर। 5 बार किया, तो तुक्के में हुआ कि प्रॉपर तरीके से? पूरा प्रॉपर तरीके से हुआ सर, और सर 5 बार सक्सेस मिला। 5 बार सक्सेस मिला? सक्सेस। अच्छा, मैं आपसे आगे ये पूछना चाहूँगा कि देव सर के साथ स्पेशल कंपोनेंट की क्लास थी आपकी? जी सर। तो कंपोनेंट की क्लास में अभी कंपोनेंट का, मल्टीमीटर का, रजिस्टर का, कैपेसिटर का, संट रजिस्टर का, GR उठाने का, सीरीज का, पैरेलल का, वोल्टेज कैसे चेक करना है, ये सारा एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर, आज ही हुआ। मतलब पहले इतना अपने को नहीं आता था, खाली बीप की मदद से सब चीज़ हम लोग चेक करते थे, शॉर्ट चेक करते थे, लेकिन आज देव सर पूरा बता दिए कि कंपोनेंट कैसे चेक करते हैं, कैपेसिटर कैसे चेक करते हैं, पूरा बता दिए देव सर। उसके बाद आपने पूरा प्रैक्टिकल किया है? पूरा प्रैक्टिकल किया। अच्छा, किसी चीज़ में कोई दिक्कत आई क्या? कुछ दिक्कत नहीं आई, कुछ दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो मेरे साथ स्टूडेंट है, प्लीज़ नाम बताइए। तो हेमंत, ये बताइए कि एशिया टेलीकॉम में आज आपका पहला दिन, स्पीड से आप नहीं, मोबाइल खोलना बंद करना सिर्फ जानते थे, तो आज क्या अचीव करा हमने? सर आज हमने IC की रिवॉल्विंग करी सर 5 टाइम, क्लास में सर कैपेसिटर रेजिस्टेंट आए और बहुत सारी जानकारी हमको उन्होंने लगभग प्रैक्टिकल हमारे को समझाया है। उसके बाद फिर सर वापस हमारी थ्योरी जो वहाँ थ्योरी पढ़ाई थी उसका प्रैक्टिकल हुआ है सुबह 7 बजे आए। तो प्रैक्टिकल में क्या किया आपने? हर चीज़ को डिफाइन किया है, मल्टीमीटर अभी मैं बोलूँ तो एक फंक्शन मालूम है, वोल्टेज चेक करना हुआ, सीरीज पैरेलल क्या होता है, रजिस्टर की वैल्यू निकालना है, रजिस्टर को मॉडिफाई करना है, 5K को 10K को 5K में कन्वर्ट करना है, कर सकते हैं आप? है तरीका आपके पास? अगर मैं बोलूँ कि कोई से भी कनेक्टर का GR उठा लो तो उठा लेंगे? उठा लेंगे। तो एक दिन में इतना सब कुछ, रिबोलिंग भी कर लिया, कॉम्पोनेंट का नॉलेज भी ले लिया, सर्किट मॉडिफाई, सर्किट आपने सर्किट को ही मॉडिफाई कर लिया, इतना सब कुछ कैसे? सर ऐसे टेलीकॉम की देंगे। ऐसे टेलीकॉम की देंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो मेरे साथ स्टूडेंट है, प्लीज़ नाम बताइए। सर मेरा नाम कपिल है, मैं मेरठ से हूँ, UP। तो कपिल, ये बताइए कि आज आपका फर्स्ट डे दिल्ली, तो बताइए मेरठ और दिल्ली को छोड़ के जबलपुर आए आप? यस सर। तो क्या होता
सर इतना अच्छा है कि मैं बोल भी नहीं सकता, बयां भी नहीं कर सकता, इतना अच्छा है। कोई आएगा तो पहले दिन में ही परफेक्ट हो जाएगा, पहले दिन में परफेक्ट। अच्छा, तो आज से पहले कभी रिकॉर्डिंग करना जानते हैं? नो सर, नहीं जानते। कितने टाइम किया? मैंने 5 टाइम किया है, 5 बार में 5 बार ठीक ही किया, 5 बार ओके किया। ओके, उसके बाद देवसल कंपोनेंट वन की क्लास थी, कंपोनेंट वन की क्लास थी, उसमें मुझे हर चीज़ की नॉलेज, कंपोनेंट की हर चीज़ की नॉलेज मिली। वो थ्योरिकली प्लस प्रैक्टिकली दोनों नॉलेज, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी सर ने दोनों सिखाया। फिर उसके बाद मेरी प्रैक्टिकल की क्लास थी, अब सुबह 7 से हमें 9 बज चुके हैं, हम प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल करते हैं? यस सर। प्रैक्टिकल में ऐसी कोई सी चीज़ कि जो सर ने सिखाई और आपने की नहीं हो? सर सब चीज़ की है, हमें थर्मल रेजिस्टेंस का नहीं मालूम था, अब आज सब चीज़ मालूम है। आज सब चीज़ मालूम है? यस सर। सीरीज क्या होता है, कैपेसिटर कैसे चेक करते हैं, थर्मल रजिस्टर कैसा ढूंढते हैं, कहाँ फॉर्म करते हैं, कहाँ होते हैं, क्या वैल्यू होती है, शोर अगर हमको करना है तो कैसे करना है? यस सर। एक चीज़ का चीज़ के नॉलेज। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि आप किसी भी ट्रैक का जीआर उठा लो या एक आईसी का जीआर उठा लो तो उठा लेंगे? बिल्कुल सर। तो हवा में बात करने की? नो सर, प्रैक्टिकल करके। प्रैक्टिकल करा? यस सर। मतलब आपने कनेक्टर का भी जीआर निकाला, आईसी का भी जीआर निकाला? यस सर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। चलिए, तो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट आए हमारे पास भाई पुर्तगाल से, एक बार इनके लिए क्लैपिंग करो। तो प्लीज बताइए। सर मैं शमशेर सिंह पुर्तगाल से आया हूँ जी, बेसिकली पंजाब से हूँ लेकिन अभी पुर्तगाल। हाँ, जो मतलब जो आप करंट अफेयरेंस तो आपका वहीं का है ना, पुर्तगाल का? चलिए, तो एशिया टेलीकॉम में शमशेर आप क्या सोच के आए थे और आज आपका पहला दिन है? यस सर। तो पहला दिन में ही आपसे रिव्यू ले सकता हूँ कि नहीं? यस सर। यस सर, ले सकते हैं? यस सर। मिला है आपको? यस सर। क्या लेवल का मिला है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइए। मुझे जो टेक्नीशियन जो काम करते हैं उससे बहुत ऊपर के लेवल का मिला है, जो नहीं सीखते हैं। तो आज मैंने सर थ्योरी पढ़ी है जो देव सर ने पढ़ाई 7 घंटे, और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी करके दिखाया, तो मैं सर जो जानता था वो सब जीरो हो गया है। जो करना बहुत अच्छा है। अपने आपको जो एक्सपीरियंस था वो खाली कर दिया? यस सर, पूरा खाली कर दिया। यस सर। और अभी हैंड स्किल की बात करूँ मैं तो सर अभी 7 घंटे प्रैक्टिकल चला है, उसमें हमारा जो डिस्टेंस कैसे, छोटे कम हैंड कैसे उठा के लगाने हैं वो सिखाया गया, उससे हैंड स्किल जो अभी बेटर हो रहा है। बेटर हो रहा है? यस। तो सदर रिकॉर्डिंग कितने टाइम किया? सर मैंने 5 टाइम किया। 5 टाइम किया? तो डन हुआ? यस सर, डन हुआ। सर जो सर ने टेक्निक बताई थी उससे सर फर्स्ट टाइम में डन हो गया। यस। तो चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, बैठा हूँ बैठा। तो चलिए, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं पंजाब से हूँ। सुनील, एशिया टेलीकॉम में आज आपका पहला दिन, आप पंजाब से हैं, तो भाई दिल्ली नज़दीक से जा सकते थे और भी कहीं जा सकते थे? दिल्ली अपने साथ नज़दीक पड़ रहा है भाई। हेलो, एक 5 मिनट बैठो, आ रहा हूँ। तो आप दिल्ली भी जा सकते थे, आपने जबलपुर पे विश्वास दिखाया, एशिया टेलीकॉम पे विश्वास दिखाया, और जो आपके पीछे हैं देवर्धन अग्रवाल सर, आपने उन पे विश्वास दिखाया। तो आज पहले दिन की क्लास में आपसे पूछ सकता हूँ कि पहले दिन की क्लास में क्या मिला आपको? पहले दिन की क्लास में आज मुझे लगा कि 10 दिन की क्लास है तो 1 दिन में लगा। 10 दिन की क्लास 1 दिन में लग गई? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तो बहुत अच्छे से आईसीडी बॉल किए, कंपोनेंट के बारे में पता चला और मल्टीमीटर सीखा जी। अच्छे से जी सर। अभी मल्टीमीटर के सारे प्रकार के आइडिया हैं हमको जी सर। जीआर कैसे निकालना है, सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, ये सब जानकारी हमको पहले थी क्या? हमको कंपोनेंट को मॉडिफाई करके कैसे लगाना है जी सर, वो आज ही पता लगा, पहले नहीं पता था। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो सामने आ तो चलिए, मेरे साथ स्टूडेंट है, प्लीज़ नाम बताइए। विक्रम चंद्रवाणी। विक्रम, ये बताइए मुझे कि एशिया टेलीकॉम में आज आपका पहला दिन, आप बहुत नज़दीक के रहने वाले हैं आप, है ना? तो ये बताइए कि पहले दिन का आप कितने समय से काम कर रहे हैं? 15-16 साल हो गए इस फील्ड में काम करते करते। तो अर्जुन, मैं अगर आज की बात करूँ, मैं तो 1 दिन की क्लास की बात करूँ, तो बहुत कुछ मिला है, पहले कभी कितने नहीं मिला जो आज मेरे को एशिया टेलीकॉम में मिला। पूरी कंपनीस की जानकारी और पूरा प्रैक्टिकली तरीके से हमको समझाया गया हर एक चीज़ के बारे में, आईसी रिबॉलिंग के बारे में। अच्छा, नहीं, आईसी रिबॉलिंग के बारे में समझाया गया कि आपने किया है? किया है, 5 टाइम अटेम्प्ट किया। डन हुआ है। मतलब मेरे सपोर्ट से तो नहीं हुआ ना? मेरे सपोर्ट से नहीं, माना सेल्फ से हुआ ना आपका? अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो बताया जरूर होगा मैंने, बाकी आपको आप अपने बल पे किया ना काम, सेल्फ से काम किया ना?
सेकंड टाइम आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या आपको कंपोनेंट का इतना आइडिया था क्या पहले? बिल्कुल मल्टीमीटर का आइडिया था क्या आपको? कुछ भी कभी मैं अगर अगर आपसे कोई अगर बोलता कि भाई मेरे को एक कनेक्टर का जीआर निकाल के बता दो तो निकाल सकते थे आप? तो पहले दिन इतना सब कुछ कैसे, कैपेसिटर की जानकारी, रजिस्टर के सारे चारों टाइप की जानकारी, थर्मिस्टर ढूंढ के निकाल सकते हो किसी भी? बिल्कुल सर, 100% थैंक यू। चलिए तो मेरे साथ स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए। मेरा नाम प्रीतेश चौरे है, खंडवा मध्य प्रदेश से। जी तो प्रीतेश ये बताइए कि एशिया टेलीकॉम में आज आपका पहला दिन, उसके पहले क्या करते थे आप? इसके पहले सर मेरी शॉप ही थी मोबाइल की, मैं एसेसरीज का काम करता था। ओके। और छोटे मोटे ही काम कर पाता था, मुझे पता नहीं था कि मोबाइल रिपेयरिंग का इतना बड़ा अथाह सागर है। और आज पहले दिन की कक्षा में मैंने वो सब सीख लिया जो मैंने कभी सोचा नहीं था। मतलब हैंड स्किल इतनी प्यारी सर, हम तो कुछ भी कर रहे थे, आज पता चला कि एक्चुअल काम क्या होता है। आज जा कर के जाना क्या आईसी रिवॉल्विंग करना, अगर करना है तो कैसे करना, हम तो सपना देखते थे सर। आज हमने किया, 5 बार किया सर जी। उसके बाद आपकी कंपोनेंट की क्लास थी? बहुत जबरदस्त सर। क्यों सर के साथ किया? बहुत जबरदस्त सर। जिनको आप देख के आए हैं उनको आज साक्षात्कार में आपने पढ़ाया उनसे, बिल्कुल सर, क्या लेवल था एनर्जी का, क्या लेवल था समझाने का, कितनी बार आपको रिविजन करके बताया, एक ही बात को कितनी बार एक्सप्लेन करा, और आपको कंपोनेंट्स की जो बारीकियों के बारे में आपको जानकारी मिली, क्या पहले हमको ये जानकारी थी क्या गुजरा सी भी? नहीं थी सर। सर के पास में ऊर्जा का सागर है, ऊर्जा का हब है सर, और इतनी ऊर्जा के साथ पढ़ाते हैं, और उनकी ऊर्जा जो है ना हम में आ जाती है। मतलब हर चीज़ एक एक चीज़ समझाते हैं, इधर थ्योरी बताते हैं उधर प्रैक्टिकल कराते हैं, एक एक चीज़ दिमाग में घुस जाती है, एक एक चीज़ दिमाग में घुस जाती है। तो और आपने यहाँ पर जब आपको 7 घंटे उन्होंने पढ़ाया, उसके बाद फिर हमारी 4 घंटे की प्रैक्टिकल की क्लास हुई जी सर, है ना? तो प्रैक्टिकल के क्लास के दौरान कोई भी चीज़ ऐसी है कि जो आपकी मिस है? नहीं सर, सब चीज़ें क्लियर है। सब चीज़ें क्लियर है बिल्कुल सर, मल्टीमीटर क्लियर है, एक एक कंपोनेंट क्लियर है, एक एक कंपोनेंट क्लियर है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज़ नाम बताइए। सर मेरा नाम आशिक है, मैं कश्मीर से हूँ। आशिक जी सर, जो कॉन्फिडेंस लेके घर से आए थे तो वो कॉन्फिडेंस का आउटपुट मिला कि नहीं? जी बिल्कुल सर, जो कॉन्फिडेंस लेके आए थे बल्कि उससे दुगना यहाँ पे हो गया सर। दुगना हो गया एक्चुअली सर, मेरा जो बैकग्राउंड था, मैं फ्रेशर था, मैं ये काम जानता नहीं था। अच्छा। तो मेरा ये मेरी ये सोच थी कि क्या पता मैं कर पाऊँ ना कर पाऊँ, तो बार बार मेरे जहन में ये सवाल आ रहे थे कि ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जब मैं पहले दिन की क्लास में बैठा तो सर मुझे लगा कि ये बच्चों का खेल है, ये कोई बड़ा काम है नहीं, तो ये हर कोई कर सकता है, मैं क्यों नहीं। और मैंने करके दिखाया सर, मैंने 5 बार EMMC रिवॉल्व किया और 5 बार सक्सेसफुली किया है सर, डन किया है। उसके बाद सर हमारी क्लास हुई देव सर के साथ जी, जो कि 6-7 घंटे चली। लेकिन सर वो ऐसी क्लास थी कि मैंने अभी तक, मतलब मैंने PG कराया लेकिन मैंने अभी तक ऐसी क्लास कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं देखी है सर। ऐसी बिल्कुल सर, एक क्लास ऐसी थी कि देव सर आप बिल्कुल अपनी नॉलेज, मतलब कोशिश करें कि ट्रांसफॉर्म करें पूरा एक स्टूडेंट के अंदर, उनको सिर्फ टेक्नीशियन ना रखे बल्कि एक टीचर बनाने के चक्कर में सर। और मुझे भी लग रहा है कि शायद मैं अगला टीचर बन सकता हूँ। एक बार क्लैपिंग कर दो इनके उत्साह के लिए यार। वो एक प्रोफेसर थे यहाँ पर लेके आए थे और आज ये उत्साह, मतलब इनको कॉन्फिडेंस लगा अपने टीचर में, अपनी फैकल्टी में कॉन्फिडेंस लगा कि आज ये बोल रहा कि मैं तो सर टीचर बन के जाऊँगा। यस सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। चलिए तो मेरे साथ स्टूडेंट है, प्लीज़ नाम बताइए। सर राइन नाम। हाँ जी, सर मैं यूपी से हूँ। यूपी राइन जी, आप कब से काम कर रहे हैं मुंबई का राइन? 18 साल। 18 साल से काम कर रहे हैं, और काफ़ी नोकिया के टाइम से काम कर रहे हैं राइट? नोकिया के टाइम से काम कर रहे हैं। तो अब वो नोकिया के 18 साल और आज एक दिन की क्लास, वो सब एक तरफ आज की एक तरफ, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? सर जो देव सर का पढ़ाने का है और एक दिन में इतना समझा दिया जो पहले मेरी आता अगर मैं आपसे बोलूं कि आप कंपोनेंट को मॉडिफाई कर लें तो कर सकते हैं घटाना बढ़ाना, मतलब दो रजिस्टर आपके पास होंगे तो उसको आधा भी कर दो, डबल भी कर दो, डबल भी कर दो। तो ये स्किल आई आपके पास। थैंक यू वेरी मच।
तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, कुछ नाम बताइए। सर मैं सौरभ मालागा खंडवा से। तो सौरभ एशिया टेलीकॉम में आज आपका पहला दिन, कब से काम कर रहे हैं मोबाइल का? सर मेरे को 2 साल हो गए। 2 साल हो गए मोबाइल का। 2 साल का नॉलेज और 1 दिन की क्लास? सर 1 दिन की क्लास। 1 दिन की क्लास में क्या मिल गया आपको? सर हमने कभी आईसी को छूने के भी नहीं सोचे थे हम इसको छू पाएंगे, और आज हमने आईसी पहले दिन ही बना दी और 5 बार बनी। एक बार नहीं 5 बार बनी हमने। एक बार नहीं 5 बार बनी। यस सर। तो हैंड स्किल कितना बेहतर हो गया हमारा? हैंड स्किल एक ही बार में हमारा हैंड स्किल तो एक बार में ट्रिपल हो जाती है। परफेक्ट ट्रिपल हो जाती है। यस सर। अब सेकंड जब आपकी 11 बजे से देव सर के साथ क्लास थी आपकी? यस सर। कंपोनेंट से क्या क्या नॉलेज मिला? अगर देव सर की जगह अगर दूसरा टीचर अगर आपको ये काम ये अगर पढ़ाता नहीं हो पाता, क्योंकि देव सर का जो पढ़ाने का नज़रिया है वो प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी साथ में पढ़ाते हैं, जिससे कि प्रैक्टिकल भी नहीं समझ में आता, थ्योरी में इंसान को समझ में आ जाए। मेरे अलावा अगर मेरे छोटे इंसान का बच्चा बोलता है नहीं हमें समझ में आ गया, समझ में आ गया कि ये प्रैक्टिकल करा रहे हैं फिर इधर थ्योरी दोनों साथ में चल रही है, कॉम्बिनेशन साथ में चल रहा है तो याद हो जाता है और माइंड में सेट हो जाता है जब इसको क्या करना है। और मल्टीमीटर का जो नॉलेज सिर्फ वजर का यूज़ किया था कि बस बीप आया तो फॉल्ट है शॉर्ट है ये आप बस ये ही था, जबकि वो शॉर्ट नहीं रखा, हमको आज पता चल गया कि शॉर्ट नहीं रखा था। तो अभी जब आप प्रैक्टिकल की क्लास में बैठे हैं आप, यस सर, तो क्या एक्सपीरियंस था पीसीबी को लेके? अब पीसीबी का देखने का नज़रिया कैसा है? सर आप पीसीबी को नज़रिया देखने ये गया है कि सर आईसी में ही सब कुछ काम नहीं है, कंपोनेंट्स का नॉलेज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आईसी निकाल के लगाना ही स्किल नहीं होती। ओके। पार्ट्स का नॉलेज भी होना चाहिए, पार्ट्स को बनाना कैसे है, अगर 5 किलो मतलब चाहिए हमको कैसे बनाना, 10 केजी तो कैसे बनाना, वो स्किल हमको देव सर ने दी। यस सर। वही बनाया सर, बना के प्रैक्टिकल किया है, मीटर पर चेक किया है, आपको बताया, आपने डन किया है, जब भी हम परफेक्ट प्रोफेशनल करके साथ बोल पा रहे हैं कि हम कर लेंगे, स्टूडेंट ने टीचर बन के जाएंगे। कैसा गया? बहुत अच्छा गया सर। क्या क्या आपने आईसी पे काम किया? नहीं किया है। आज आईसी पे काम किया आपने? हाँ किया है। कितनी बार? 5 बार। 5 बार करा तो तुक्के में लगा कि परफेक्ट तरीके से? परफेक्ट तरीके से, परफेक्ट तरीके से। अच्छा, उसके बाद फिर आपने कंपोनेंट की क्लास थी आपकी देव सर के साथ? बहुत अच्छे सर। अच्छा, उसके बाद फिर आपका प्रैक्टिकल था? yes. तो अभी मल्टीमीटर में सारे कंपोनेंट आपको चेक करने आते हैं? आता है। अच्छा, और उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, रजिस्टर की वैल्यू कैसे निकालनी है, कैपेसिटर को कैसा टेस्ट करना है, अगर कोई कनेक्टर है तो उसका जीआर कैसे निकालना है, ये सब बनता है? हाँ, बनता है। तो ये मतलब जबरदस्ती बोल रहे हो कि फाइनली आपने किया है? आपने किया है? थैंक यू। तो मेरे साथ स्टूडेंट है, प्लीज़ नाम बताइए। मेरा नाम सर जितेंद्र है, मैं गोरखपुर जिले से हूँ और यूपी से हूँ सर। और मेरा सर आज फर्स्ट क्लास था और हम लोग सुबह से 7 बजे से बैच में आए और देव एम डी सर आज हम लोग को रिवॉल्विंग बताए हैं और इस टेंसिल कैसे रख के रिवॉल्व किया जाता है, और बहुत अच्छी तरह सर आज एमएमसी 5 बार निकाले हैं, 5 बार साफ किए, 5 बार रिवॉल्व करके परफेक्ट तरीके से बैठाए। ये परफेक्शन पहले था क्या? नहीं सर, पहले सेकंड आपसे, फिर उसके बाद आपको 11 बजे से लेकर तो शाम को 5 बजे तक देव सर के साथ किया सर। बहुत अच्छा लगा सर, देव सर थ्योरी भी समझाते हैं और उसी समय प्रैक्टिकल भी समझाते हैं, तब सर डाउट क्लियर कर देते हैं, हर कंपोनेंट की लगाना बैठाना साइज क्या है वैल्यू क्या है सब बताए हैं सर, बहुत अच्छा लगा सर। उसके बाद फिर आपने प्रैक्टिकल किया 4 घंटे, फिर प्रैक्टिकल आकर फिर सर 7 घंटा 5 घंटा हम लोग बैच में आकर फिर प्रैक्टिकल किए और बहुत अच्छी तरह कंपोनेंट के बारे में जानकारी। तो अभी कॉन्फिडेंस का लेवल क्या है कंपोनेंट सर? बहुत अच्छा है सर, और आगे भी इसी तरह हम लोग मेहनत करेंगे